गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग में आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग दैट्स मीन आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर पाइथन प्रोग्रामिंग में और जो M3R5 मॉड्यूल्स है आपका ओ लेवल के सिलेबस में चैप्टर 2 देख रहे हैं और अभी तक 5 लेक्चर मैंने इसमें पढ़ा दिया। आज 6ठा लेक्चर है। आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे जिसका नाम है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसमें बहुत सारे एल्गो मैंने पढ़ा दिया है, उसका फ्लो चार्ट हमने पढ़ा दिया है। तो आई होप एक बार आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें और आज इस वीडियो को है ना हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और ध्यान रहे आज ये लास्ट क्लास होगा। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। तो इसमें आज 4 एल्गो मैं आपको बताने वाला हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो चलो आइए देखते हैं कौन कौन से एल्गो होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 होगा DFD ड्रा फ्लो डायग्राम, 2 प्रिंट समेशन ऑफ, 2 प्रिंट समेशन ऑफ सेट ऑफ नंबर। अभी इसको मैं समझा रहा हूं, पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए और नोट डाउन करते हुए चलेंगे। DFD टू प्रिंट समेशन ऑफ सेट ऑफ नंबर, पहला क्वेश्चन जो हम आज देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हम आपको देखने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, DFD डाटा ड्रा फ्लो डायग्राम, 2 प्रिंट इंटीजर नंबर, प्रिंट रिवर्स ऑर्डर ऑफ अ गिवन या टेकन इंटीजर नंबर। देखो ये रिवर्स ऑर्डर है ना, ऑफ अ गिवन या टेकन इंटीजर नंबर, किसी इंटीजर नंबर को हम रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करेंगे, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, पेपर में पूछे जाते हैं। DFD टू प्रिंट फेबोनेसी सीरीज, फाइबोनेसी सीक्वेंस फाइबोनेसी सीक्वेंस। अभी फाइबोनेसी सीक्वेंस क्या होता है घबराइएगा नहीं, अभी मैं बताऊंगा है ना। अगर आपको फाइबोनेसी सीक्वेंस नहीं पता है तो इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये FI है, इसको मैं सही कर दूं, ये क्या होता है फाइबोनेसी, अभी मैं आपको बताऊंगा। FIBONACCHI फाइबोनेसी सीक्वेंस, अभी इसको मैं समझाऊंगा। और लास्ट जो आज हम लोग लास्ट देखेंगे वो आपका होगा चेक नंबर इज प्राइम और नॉट, चेक नंबर इज प्राइम और नॉट। तो ये आपके 4 बहुत इंपॉर्टेंट आपके एल्गो फ्लो चार्ट हैं, इसको मैं आपको डिफाइन करके इस चैप्टर को समाप्त करूंगा। तो चलिए हम लोग आते हैं एक नए पेज पर। देखिए नया पेज है जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे DFD टू प्रिंट समेशन ऑफ सेट ऑफ नंबर। ठीक है, चलो मेरे साथ इस क्वेश्चन को एक बार आप देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है। समेशन, समेशन का मतलब होता है योग, तो हम यहां लिखेंगे संख्याओं के समूह का योग, इसे हम लोग कहते हैं संख्याओं के समूह का योग, संख्याओं के समूह का योग। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, जैसे ऐसे जैसे कहीं लिखा गया हो 5, तो 5 जो हमारी एक संख्या है। अभी 5 कैसे बना है, 1 2 3 4 5, तो अब इनके समूह का योग देखो ये रहा समेशन ऑफ सेट ऑफ नंबर। तो ये आपको जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 15, कैसे जाएगा 2 1 3 3 6 4 10 5 15, तो ये रहा समेशन ऑफ सेट ऑफ नंबर। मतलब कोई भी जो संख्या होगा
उसके अंदर जो उसका समूह है उनका योग बताने वाला होता है समेशन। तो यहाँ पे हम लोग दो पार्ट कर लेते हैं, एक तरफ हम एल्गो लिखेंगे और एक तरफ उसका हम फ्लो चार्ट बना के आपको दिखाएंगे, और आप अपनी कॉपी में से नोट कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम इसको माइंड में पुट करके रखेंगे। बोलो क्लियर हो गया? अब ध्यान देना, एल्गो क्या कहता है? सबसे पहले स्टेप वन कहता है कि आप मुझे स्टार्ट कर लो। चलो मैंने स्टार्ट कर दिया। स्टेप टू कहता है पहले सोचो, कोई संख्या लो। तो हमने एक संख्या ले लिया रीड एन, एन कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 जो भी आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं। फिर स्टेप थ्री कहता है इटरेटिव बेस्ड प्रोसेसिंग एल्गो है। तो यहाँ पे हम इटरेटिव में वाइल लूप लगाते हैं। तो वाइल लूप में हमने दे दिया कि जो आई होगा, आई एक काउंटर है ना, आई एक मान है जो अभी मैं, जिसे हम काउंटर बोल सकते हैं, पॉइंटर बोल सकते हैं, इंक्रीमेंट है ना जो करता है वैल्यू को। तो आई जो है, आई तब तक चलेगा जब तक वो बराबर ना हो जाए किसके, ये जो संख्या आपने लिया है यन के, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद स्टेप नंबर फोर कहता है कि भाई साहब यहाँ पे है ना, आप एक काम कर लो, सबसे पहले यहाँ यहाँ पे ना वाइल के पहले छोटा सा मिस्टेक हुआ है। चलो ये वाइल के पहले हम लोग एक पॉइंट और लिख सकते हैं, या हम स्टार्ट रीड के पहले लिख लें, सॉरी चलो हम रीड के पहले लिख लेते हैं, या हम लिख सकते हैं काउंटर, तुमने बताया नहीं था। तो एक आई काउंटर ले लो 0, और एक सम वेरिएबल ले लो वो भी 0, ये जरूर ले लो, है ना, कि आई भी 0 है सम भी 0 है, ये दो वेरिएबल हमने ले लिया है। अब यहाँ आप संख्या कोई रीड कर लो, जैसे रीड मैंने यन ले लिया। अब हम यहाँ पे वाइल लूप छोड़ देंगे। वाइल लूप क्या कहता है कि आई जो ये आई है तब तक चलेगा जब तक ये यन के बराबर ना हो जाए, यन यूजर देगा। जैसे मैं 5 नंबर मान के चल रहा हूँ कि 5 के लिए मैं समझा रहा हूँ, तो ये यूजर यन लिखेगा। अब इसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या आ जाएगा बोलो? स्टेप 5 में आ जाएगा जो सम हमारा होगा, उस सम में हम क्या करेंगे, हर बार आई को जोड़ते रहेंगे, सम प्लस आई करते रहेंगे। और फिर ध्यान रखना, हम स्टेप नंबर 6 में, क्या करेंगे, हम आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो हो जाएगा आई प्लस वन। बोलो क्लियर हो गया? और ये तब तक होगा जब तक हमारा वाइल लूप मूव करता रहेगा, और अगर वाइल लूप है ना नो होता है, ये तो ट्रू की कंडीशंस पे था है ना, अगर नो होता है तो नो का मतलब ये स्टेप लास्ट में देखो हमने लिखा स्टेप 7, हमने लिख दिया प्रिंट सम। प्रिंट सम, इस सम को हम प्रिंट कर लेंगे। तो ये 7 स्टेप हैं, और जो आखिरी स्टेप होता है 8 नंबर, वो होता है एग्जिट, है ना, स्टेप 8 क्या हो जाएगा, एग्जिट। तो ये आपको अपने माइंड में लेके चलना है। अब देखो ऐसे ध्यान देना सभी लोग, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे है ना एक यन की जो वैल्यू ली है, मान लो हमने 5 ले लिया। अब चूंकि आई की वैल्यू 0 है, तो आई छोटा है 5 से, तो जाहिर सी बात है सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सम चूंकि 0 है तो 0 में आई, आई भी 0 है, तो यहाँ पे जो सम होगा, जैसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, सम जो होगा वो आपका यहाँ पे मैं ले लेता हूं, जैसे यन यहाँ पे हो गया सम, एक मिनट, आई सम, इसको मैं आपको समझाने के लिए है ना थोड़ा सा और अच्छे से बता दूं जिससे कंफ्यूजन ना रहे। जैसे देखो मैंने यहां ले लिया है आई, फिर मैंने ले लिया है सम, और यहां पे हमने लिख लिया आउटपुट, क्या आउटपुट आएगा। चलो देखो अब बोलो आई 0 है सम 0 है, तो यहां पे आई 0 हो गया। आई 0 का मतलब हमने यन का मान 5 ले लिया है, यन का मान हमने क्या ले लिया, मान लो यूजर ने यन 5 ले लिया। अब यहां पे जब वो आई 0 है 5 ए है, तो आपने कहा छोटा है, यस बिल्कुल सही बात है। अब सम क्या होगा, ध्यान देना, यहां पे जो सम प्रिंट होगा वो सम कितना प्रिंट हो जाएगा, तो आप बोलोगे 0 प्लस 0, दैट्स मीन 1 हो गया सम, ठीक है। और आई कितना हो जाएगा, चूंकि आई यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, तो है ना आई हमारा क्या हो जाएगा बोलो, आई एक बढ़ेगा तो 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी आउटपुट तो देगा नहीं, ये फिर रिपीट होता रहेगा, अभी दोबारा जाएगा तो आई यहाँ पे क्या हो रहेगा, 0 से वो बढ़ेगा, तो जब 0 से बढ़ के वो 1 हो जाएगा, तो 1 1 यहाँ 2 दे देगा, जब 2 हो जाएगा तो 3 दे देगा, जब 3 होगा तो 3 3 6 देगा, है ना, और जब 4 हो जाएगा तो 6 4 10 दे देगा, और जब 5 हो जाएगा तो 10 5 15 दे देगा। और ये फाइनली जैसे ही आएगा, अब चूंकि 6 होगा तो 6 वाला नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो यन है वो 5 है ना, यन 5, तो जैसे 6 होगा तो क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये 9 हो गया, 9 हो जाएगा तो प्रिंट करके इसको आउटपुट दे देगा 15। तो
एक कंडीशंस है, देखो इट आपके ब्रेन में रखना होगा कि सर इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं कि एल्गो कैसे काम करता है। अब समझ में आ गया, एक बार आप इसे अच्छे से समझिएगा जो मैंने पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, आपको बता रखा है। और इसका अगर हम फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेंगे। देखो मैंने स्टार्ट कर लिया, अब चूंकि हम प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस का मतलब होता है हम वैल्यू दे रहे हैं, तो प्रोसेस में हम बताते हैं कि आई हमने जीरो ले लिया, सम नाम का कोई वेरिएबल उसको भी हमने जीरो ले लिया। अब चूंकि रीड एक इनपुट होता है तो हमने यहाँ रीड दे दिया, चूंकि रीड इनपुट है तो इनपुट कैसे देते हो, पैरेलल में, दैट्स इन पैरेललोग्राम में, समांतर चतुर्भुज में, तो हमने लिख दिया रीड एन। बोलो क्लियर हो गया, तो रीड एन हो गया, ये पैरेललोग्राम है। अब आपसे सवाल पूछा गया कंडीशंस लगाना होगा, तो कंडीशंस कैसे लगाओगे, तो आप बोलोगे सर डिसीजन वाले बॉक्स में लगाओगे। क्या कंडीशन लगनी है, व्हाइल क्या हो लगेगा, आई लेस देन इक्वल टू एन, अगर ये नो होगा तो ठीक है, तो यहाँ नो होगा तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। बोलो क्या प्रिंट हो जाएगा, तो आपने कहा था सर ये प्रिंट होगा सम, हम यहाँ प्रिंट करके देंगे प्रिंट सम। और अगर ये है ना यस हो गया, ये कंडीशंस ट्रू हो गई, यस है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोबारा काउंटर को बढ़ा देंगे। क्या काउंटर बढ़ाएंगे, हम लिखेंगे सम जो होगा वो सम प्लस वन हो जाएगा, और जो आई होगा, जो आई है वो आई प्लस वन हो जाएगा। और फिर हम यहां क्या करेंगे, ध्यान देना, एक ये लूप हमारा चलता रहेगा, कहां तक चलता रहेगा, ये बार बार देखो ये ऐसे चलता रहेगा। और जब प्रिंट हो जाएगा तो ये प्रिंट के बाद जब यहां आएगा तो हम यहां पे एग्जिट लिख देंगे, एग्जिट का मतलब होता है स्टॉप या एग्जिट, ये ओवल के थ्रू रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो इसका कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा जैसा मैंने आपको बना के दिखा दिया है। तो अगर एल्गो समझ में आ गया है ना, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक कॉन्सेप्ट हम कैसे काम कर रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देखो यहां से लेके यहां तक कॉन्सेप्ट में दम है। तो अगर एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा है कि हम कैसे उस चीज को सोचेंगे और उसका एल्गो लिखेंगे, और एल्गो के ही बेस पर हम यहाँ फ्लो चार्ट बना लेंगे, तो फ्लो चार्ट बनाना तो बहुत सिंपल है ना। ये एल्गो के बारे में थोड़ा सा विचार करना होगा, क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, क्या लॉजिक लगाएं, उसी के बेस पर हम इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलो एक बार इसको आप लोग देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, जो हमने बोला था इंटीजर नंबर को रिवर्स करना, क्वेश्चन नंबर टू, चलो ध्यान दो क्या बोला गया। डीएफडी टू प्रिंट रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर ऑफ गिवन इंटीजर नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर आपको दिया है तो उसके रिवर्स ऑर्डर को आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे। देखो ऐसे जैसे मान लो इसको कोई कोई नंबर दिया है, और नंबर ये ऐसे है, देखो 4562 नाम का नंबर है, तो इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में कैसे प्रिंट करना चाहते हैं, रिवर्स ऑर्डर, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 2 6 5 4 है ना, ये रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, तो इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं। अब पहले इसका लॉजिक समझ लो तभी समझ में आएगा लॉजिक क्या होता है। तो इसका लॉजिक देखो, ये दो लॉजिक पे काम करता है, हम एक नम लेते हैं, नम में हमारा जो नंबर होगा यही है, कौन सा नंबर है, 4562 है, समझ लो पहले। हम एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा रिवर्स नम, रिवर्स नम में हम जीरो असाइन कर लेंगे, इसका मतलब हम एक जीरो असाइन कर लेंगे, रख लेंगे। अब यहाँ पे एक फार्मूला यूज होता है, देखो फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए, फार्मूला कहता है कि जो रिवर्स नम है, रिवर्स नम इक्वल टू, ध्यान रखना, रिवर्स नम गुड़े है ना, एक गुड़े का मल्टीप्लाई का सिंबल है 10, प्लस ये जो नम है उसमें मॉडुलस, मॉडुलस 10, ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला होता है। और एक फार्मूला चलता है कि जो नम इक्वल टू होगा वो नम, ये देखिए ये डिवाइड है, इंटीजर डिवीजन है, इंटीजर डिवीजन, तो ये 10 इक्वल टू है ना, ये इतना। तो ये देखो ये दो फार्मूले हमारे क्या होते हैं, यूज होते हैं, और इस फार्मूले को हम उतनी बार ही यूज करते हैं जितने डिजिट होते हैं। जैसे मान लो इसमें कितने डिजिट हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें 4 डिजिट हैं, तो हम इसको 4 बार प्रोसेस करेंगे, ये कितने टाइम प्रोसेस होगा, 4 टाइम प्रोसेस होगा, 4 टाइम प्रोसेस होगा, तो ये कुछ ना कुछ है ना ये सॉल्व हो जाएगा। बोलो कैसे, ध्यान देना,
चलो मैं इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूं, है ना, बोर्ड पे देखिएगा। सबसे पहले मैं स्टेप वन सॉल्व कर रहा हूं, देखो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, तो रिवर्स नंबर, देखो मैं यहां लिख रहा हूं रिवर्स नंबर, ध्यान से समझना, अब इक्वल टू क्या कह रहा है, रिवर्स नंबर मल्टीप्लाई 10, तो रिवर्स नंबर हमने 0 मान लिया है, तो 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस नंबर कितना आपका है 445 62, और मॉडुलस कितना है 10। ये मॉडुलस क्या करता है, तो मॉडुलस ये आपका रिमेनिंग देता है, क्या देता है, रिमेनिंग, ध्यान रखना ये रिमेनिंग देता है। तो अब जरा रिमेनिंग देखो कितनी बार हम 10 से इसको भाग करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये जब डिवाइड करेगा तो सब सब कुछ कट जाएगा, बस 2 बचेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये कितनी बार जाएगा, हम बोलेंगे 456 बार जाएगा, तो इतना आ जाएगा, तो इसमें 2 बच गया, तो यहाँ देखो बचा कितना, यहाँ 2 बच जाएगा इस प्लेस पर, और यहाँ जो है गुणा होगा तो 0, तो हमारा रिवर्स नंबर देखो क्या आ गया जुड़ के, तो इसमें रिवर्स नंबर 2 आ गया, आया कि नहीं आया। चलो अब ध्यान देना, फिर आपने कहा था सर नंबर इक्वल टू क्या होता है, तो नंबर में नंबर भागे 10 कर लो, है ना, अब वो इंटीजर गुणांक है, तो जब आपने कहा था सर हम नंबर भागे 10 करेंगे, तो लिखा ना फॉर्मूला सामने कितना नंबर है, तो आपने कहा 45 60 भागे 10, तो ये 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 456, है ना, अब ये वैल्यू हमें मिल गया, बोलो मिल गया। अब चूंकि 4 डिजिट है, तो ये चीज 4 बार रिपीट होगा, अब दूसरी बार क्या रिपीट होगा, दूसरी बार फिर हम लिखेंगे रिवर्स नम, रिवर्स नम इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो रिवर्स नंबर कितना है, तो आपने कहा सर रिवर्स नंबर इस बार 2 है, तो हम लिखेंगे 2 गुणे 10 प्लस, आप कहोगे नंबर भाग मॉडुलस 10, तो नंबर इस बार चेंज हो गया 456, मॉडुलस क्या है 10, अब इसे सॉल्व कर लो, तो आप बोलोगे सर इसको 45 बार ले जाएंगे, कितने बार ले जाएंगे 45 बार, तो यहाँ 6 बच जाएगा, तो इस प्लेस पर 6 आ जाएगा, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 प्लस 6 बराबर 26, यहाँ 26 आ गया कि नहीं आ गया। और यहाँ पे देखो फिर नम इक्वल टू क्या होगा, तो नम इक्वल टू जो हमारा नंबर है 456 और है ना ये 10, तो आप बोलोगे सर ये कितनी बार जाएगा, तो ये 45 बार जाएगा, तो ये 45 टाइम आ गया यहाँ, ऐसे करके अब तीसरी बार चलेंगे, तीसरी बार में रिवर्स नंबर कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा रिवर्स नंबर, तो रिवर्स नंबर 26 है गुणे 10 प्लस नंबर कितना है 45, मॉडुलस कितना है 10, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा कितना भैया, ये आ जाएगा 260, और इसमें मॉडुलस से करेंगे तो ये 4 बार जाएगा, तो 5 रिमेनिंग आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 265, और इसमें नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर नंबर इक्वल टू क्या होगा, तो पहले नंबर 45 है, और इसको आप भाग करोगे 10 से, तो आप बोलोगे सर कितनी बार गया 4 बार गया, 4 आ जाएगा। अब चौथी बार हम चलेंगे तो फिर निकालेंगे रिवर्स नंबर, तो आप बोलोगे सर रिवर्स नंबर इक्वल टू क्या होता है, तो रिवर्स नंबर इक्वल टू होता है फार्मूला आप देख रहे हो रिवर्स नंबर मल्टीप्लाई 10, तो रिवर्स नंबर कितना है, आप बोलोगे 265 मल्टीप्लाई 10 प्लस नंबर कितना है, तो नंबर 4 है, मॉडुलस 10 है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये रिमेनिंग पूरा का पूरा आ जाएगा 4, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2650, अब इसको जोड़ दोगे तो इसके स्थान पे आ जाएगा 2654, आ गया कि नहीं आ गया। और यहाँ 5वें नंबर पे जो नंबर होगा, तो आप बोलते हो सर नंबर भागे 10 होगा, तो नंबर कितना है, तो आप यहाँ देखा 4 है, तो 4 है ना भागे 10, तो आपको पता है कि ये डिविजिबल होता है, तो जाएगा ही नहीं, दैट्स मीन 0 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आपने देखा कि नंबर आपका रिवर्स होके आ गया, देखो 2654, देखो रिवर्स होके आ गया कि नहीं 2654, तो इस तरीके से ना ये आपने देखा कि हम इसको इस फार्मूले की मदद से ला देते हैं, निकाल लेते हैं। अब इसी का हमें क्या करना रहेगा, एल्गो लिखना रहेगा, तो एल्गो आपने देख लिया कैसे लिखना है, तो ये फार्मूला लिख दिया जाएगा, और फिर यहां लिख दिया जाएगा कि भाई ये तब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, वाइल, ये वाइल कब तक चलेगा, तो जो डिजिट हमारा है, जैसे आपने लिखा है वाइल डिजिट इक्वल, डिजिट इक्वल काउंट, डिजिट इक्वल काउंट, इसका मतलब ये जो डिजिट हमारा होगा, ये या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि हम इसको तब तक चलाएं, या इसे हम और अगर सरल भाषा में बोलना चाहें तो
थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, अगर हम इसको और सरल में देना चाहें तो हम ऐसे लिख लें, हम इसको तब तक चला रहे हैं जब तक हमारा जो नंबर है, ये जो नंबर है एक ग्रेटर देन जीरो रहे, एक ग्रेटर देन जीरो रहे, हम तब तक चला सकते हैं। तो ये आपका देखो स्टेप फर्स्ट हो गया। अगर हम एल्गो की बात करेंगे तो एल्गो में हम यही तो बोलेंगे, एक मिनट थोड़ा सा इसको सही कर दे, है ना। चलो हम एल्गो लिख के दिखा दे रहे हैं कैसे इस पे काम करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा। तो यहां से अगर मैं एल्गो देना चाहूं तो एल्गो में देखो सबसे पहला क्या रहेगा, आप स्टार्ट कर लेना, दूसरे नंबर पे क्या रहेगा, ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट आप नंबर दो पे डाल देना और ए वाला पार्ट आप नंबर थ्री पे डाल देना, हो जाएगा। नंबर फोर पे डाल देना वाइल लूप, हम बोलेंगे सर वाइल नम जो होगा वो तब तक चलेगा जब तक वो जीरो से बड़ा रहे, ठीक है, जैसे जीरो हो जाएगा तो रुक जाएगा। और फिर पांचवें नंबर पे हम बोलेंगे और यहां लिख देना रिपीट थ्री एंड फोर, रिपीट थ्री एंड फोर, और अदरवाइज हम यहां लिख देंगे नंबर फाइव पे प्रिंट, प्रिंट क्या प्रिंट करना है तो हम रिवर्स वाला प्रिंट कर देंगे, रिवर्स नम, और छठे नंबर पर हम लिख देंगे स्टॉप। बस ये आपका एल्गो। अब इसी को हम लोग यहाँ डायग्राम से बना लेंगे। तो डायग्राम पे हमने देखा ही है, हम इसका अगर एल्गो बनाना चाहें तो ऐसे ही तो बनाओगे, पहले आप स्टार्ट करोगे, लो मैंने स्टार्ट कर दिया ये ओवल या टर्मिनल के थ्रू, फिर हम यहाँ पे रीड नंबर कर लेंगे, जो भी नंबर हमें देना होगा तो रीड है चूंकि पैलेलोग्राम हो जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा रीड एन, हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे जिसमें हम बताएंगे कि हमारा जो रिवर्स नंबर होगा, देखिए रहा रिवर्स नम इक्वल टू हम जीरो कर देंगे, हो जाएगा। अब ये प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे चूंकि हम फार्मूला देंगे तो हम फार्मूला में लिख देंगे कि ये तब तक चलता रहेगा, ये तब तक कंडीशन हमारा चलेगा, ये तब तक कंडीशन चलेगा वाइल जो नम होगा वो जीरो ना हो जाए, और अगर है ना अगर ये आपका ट्रू होता है और ये आपका यस या नो होता है तो यहाँ पे अगर ये नो होगा तो यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे। क्या करा लेंगे, प्रिंट किसको करा लेंगे, रिवर्स नंबर को प्रिंट कर लेंगे और इस प्लेस पर हम वो फार्मूला मेंशन कर देंगे, यहाँ पे वो फार्मूला लिख दो जो फार्मूला आपने नंबर दो पे लिखा है, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। और ये आपका ऐसे करके देखो यहाँ तक मूव होता रहेगा और फिर यहाँ पे आप क्या कर लेना, स्टॉप कर लेना, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ समझ गया ना क्या फार्मूला है, वही जो भी पीछे बताए हैं कि आपका रिवर्स नंबर इक्वल टू, देखो ये फार्मूला यही है, रिवर्स नंबर इक्वल टू रिवर्स नंबर मल्टीप्लाई 10 प्लस नंबर मॉडुलस 10, या नम इक्वल टू नम 10। तो ये फार्मूला लिख के इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हो। आई होप इस समझ में आपको आ गया होगा। चलिए बाकी दो जो बच रहे हैं वो एक क्लास और ले लूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आज बस इतना ही। ओके थैंक यू।